हेलो मैन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज में ट्रेडर। तो आप लोग देख सकते हो कि बीटीसी के 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एक बॉटम बना है। ओके, बॉटम कंफर्म हो चुका है, हमें टारगेट भी मिल चुके हैं, टारगेट 1, 2, 3। यहाँ पे भी बॉटम बना था, अच्छा गया था, यहाँ पे टॉप बना था, नीचे आया था। ठीक है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट तो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है सपोर्ट का ही, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट यहाँ से बाउंस किया है। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। ठीक है, बीटीसी के सबसे पहले हम लोग छोटी सी क्वांटिटी उठाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, हम लोग बीटीसी बाय करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर अपनी पोजिशन बना ली है और हम लोग जो है यहाँ से लॉन्ग करने वाले हैं। इस जगह से टारगेट 1, 2, 3 आराम से मिल सकता है इस ट्रेड में। ठीक है, बट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब। और देखिए मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ कि अगर मैंने 50% ऐड कर दिया है, अगर ये इस लेवल के नीचे आएगा तो और 50% ऐड करूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो है पोजिशन ऐड हो चुकी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चलने लगा है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो अच्छा खासा मार्केट देखिए ऊपर की तरफ इसने स्पाइक दिया, फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया। अब देखिए इसके, देखो ये सिग्नल करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन एक्स्ट्रा क्यों है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे है ना बायर्स की एंट्री हुई। ठीक है, बायर्स ने मार्केट को पुश किया, फिर सेलर्स इसको नीचे लेके आए, बट फिर से बायर्स की एंट्री हो गई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखिए कॉन्फिडेंस बायर्स में आ जाता है जब थोड़े से नीचे आने के बाद ही बायर्स की एंट्री हो जाए। ठीक है, यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, इसलिए मैंने जो है पोजिशन तो बना ली है। ओके, पर फिर भी रिस्क रहता है थोड़ा बहुत, अगर नीचे आएगा ना यहाँ पे तो मैं एवरेज करूँगा और इसके बाद यहाँ का हम लोग जो है एसेट प्लेस कर देंगे इसके अंदर। ओके, तो होल्ड करते हैं ट्रेड को। अभी देखिए थोड़ा बहुत माइनर सा लॉस चल रहा है, प्रॉफिट भी $30-40 का गया था, बट एक दो कैंडल अगर ऊपर की तरफ निकलेगी तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा देखिए प्राइस एक्शन को भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, जैसे कि मार्केट इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, ट्रैप कैसे करते हैं मार्केट, अगर देखो यहाँ पर सेलर्स की एंट्री भी हुई ना तो ऊपर लेके गए, इनका एसएल खाया, फिर नीचे लाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई, फिर से जब मतलब सेकेंड टाइम जब एंट्री होती ना तब वो ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब कई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है मार्केट, अगर टॉप बना है तो ऊपर जाके फिर गिरता है, बॉटम बना है तो नीचे गिर के फिर ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा हमें जो है क्वांटिटी में नज़र रखनी है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी डायरेक्टली सिग्नल बनने के बाद एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद एंटर करिए तो अच्छा रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, बट बहुत मोमेंटम स्लो होता है इस टाइम पे जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ना, सुबह 10:30 के करीब कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। ओके, $10 का लॉस है, बट कोई बात नहीं, हम लोग होल्ड करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है, नीचे आएगा तो हम लोग एवरेज करेंगे, बाकी ऊपर के लिए हम लोग जाने वाले, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं वेट करते हैं। तो ठीक है, देखिए मार्केट जो है हमारे 50% लेवल पे आ चुका है, तो एक बार मैं ज़रूर इसके अंदर अपना पोजीशन में एवरेजिंग करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे एवरेज कर लिया है। अब देखिए मेरी लॉट साइज़ कितनी हो गई, 3 लॉट साइज़ हो गई है। अब इसके नीचे हमारा एसएल होगा। ठीक है, देखिए इसने यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाइंग की साइड पोजीशन गई थी, अब ये नीचे आया फिर से इसको टेस्ट करने के लिए, तो मैंने एवरेज कर लिया। अब मेरी लॉट साइज़ 3 हो चुकी है, अब इसके नीचे आएगा तो मैं जो है स्टॉप लॉस देने वाला हूँ। ठीक है, तो होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, हमने एवरेजिंग कर लिया है इस जगह पे, अब ऊपर के लिए हम लोग जा सकते हैं ना, फिर हमारा जो यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है $131 के करीब चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्लानिंग के साथ ही मार्केट में प्रॉफिट बनता है, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बॉटम बना है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे 50% क्वांटिटी एंटर करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लॉट यहाँ पे एंटर किया, और थोड़ा हमने जो एसएल रखा है ना, उसके 50% आने पे हमें थोड़ा सा और एवरेज करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद मैंने एवरेज किया तो अभी मुझे $100+ का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। मैं जो है टारगेट इस लेवल टारगेट 1 का रखूंगा। अगर टारगेट 1 हिट होगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, नहीं तो फिर हम लोग होल्ड करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम लोग इस ट्रेड में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने हायर हाई क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, डबल बॉटम बनाया, हाई बनाया, अब ये थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए, $200 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रेडिंग का चार्ट लेट चलता है, बट यहाँ पे एक्सचेंज में देखिए $175 का प्रॉफिट है। $200 का इसने हाई लगा दिया था, ओके, $165 जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ तक हमें जो है 1:2 का रेशियो हमें मेंटेन होना चाहिए इस ट्रेड में, ओके। एसएल को भी आप छोटा कर देते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर यहाँ पे जो है यहाँ तक का हम एसएल रख देते हैं। अब ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमें सीधा $200 से $300 का प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में होने वाला है। $170 का अभी प्रॉफिट चल रहा है, जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट इस ट्रेड में हो जाएगा, ठीक है। $150+ का हमें प्रॉफिट चल रहा है। हम ज़्यादा कुछ अभी सोचने नहीं वाले हैं, प्रॉफिट में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, अब सीधा वेट करेंगे, हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है, ओके। तो देखिए, जो फॉरेक्स या क्रिप्टो है उसको ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है। स्कैल्पिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। स्कैल्पिंग में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, करीबन 10:18 पे मैंने ये ट्रेड उठाया था, अभी बज रहा है 11, मतलब 1 घंटे तक मैंने ट्रेड होल्ड किया। पर देखिए, $330+ का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही टारगेट 1 हिट होगा, मैं अपना प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में बुक कर लूँगा, ठीक है। 374, बहुत बढ़िया, टारगेट 1 हिट होने ही वाला है, ठीक है। एग्जिट का सिग्नल भी आ रहा है, एग्जिट मतलब एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो एग्जिट करना पड़ेगा। $390 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, ओके। एग्जिट का सिंबल भी आ रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, जा सकता है ऊपर की तरफ, ओके। तो देखिए कैसे पैटर्न बना, यहाँ पर देखिए हमने एंट्री बनाई 50%, डबल बॉटम बना, फिर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब ये ऊपर का ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो यही प्राइस एक्शन को भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, सिर्फ आप इंडिकेटर के भरोसे नहीं रह सकते। इंडिकेटर आपको एक आइडिया देगा कि कहाँ पे हमें पोजीशन बनानी चाहिए, पर ट्रेड कैसे मैनेज करना है ना, वो आ सारी चीज़ें देखो आपको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है, टारगेट 1 भी हिट हो चुका है। तो हम ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, $380-$87 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, ओके। थोड़ा सा देखते हैं, फिर एग्जिट कर देंगे, $400 का प्रॉफिट, ओके। $400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, एग्जिट का सिंबल भी आ चुका है। तो हम जो है यहाँ पे अपना ट्रेड थोड़ा सा वेट करते हैं, 485, ओके, 460, ओके, $500 का प्रॉफिट होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पाइक बहुत, $500 का प्रॉफिट, अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था, ओके। $500 का प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने BTC में ये थोड़े बहुत छोटे छोटे लॉस है मेरे, US ऑयल 16 जुलाई 31 जुलाई, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग थोड़ी सी कम कर दी थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो और उसके बाद BTC में $4,500 का प्रॉफिट बनाया था, फिर 11 अगस्त को करीबन $227 का, मतलब आज का ही है, ठीक है। तो 31 जुलाई के बाद मेरे सीधा 5 अगस्त को मैंने ट्रेड बनाया था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना, ठीक है। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा हो गया था, और अभी देखें तो टोटल मिला के $500 का प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में मुझे हुआ है, ठीक है। तो यह है सुपर अल्को सेटअप इंडिकेटर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो।